नमस्कार, मैं मनीषा राघव, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तिरुवनंतपुरम जिले के गांव में भालू कुएं में गिर गया। भालू बेलनाडु के निवासी अरविंद के कुएं में जा गिरा। बीती रात परिवार ने भालू को देखा और कुएं में भालू मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद देखते ही देखते उसको देखने के लिए भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस और आरटीओ की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। कुएं में गिरे भालू को देखने के लिए भीड़ तो लगी थी, इसके बाद उसको देखकर भालू भी घबरा गया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। इसको शांत करने के लिए एक बार पशु चिकित्सक को भी बुलाया गया, जिसके बाद भालू को शांत किया गया और वापस किनारे की ओर बुलाया गया ताकि वो आसानी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच भालू भी रस्सी को काटने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो काफी डर गया था। उसे ये लग रहा था कि शायद ये उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत लगी, लेकिन भालू अब सुरक्षित है। वन विभाग ने जानकारी दी है कि सुरक्षित भालू को बाहर निकाला गया है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां के निवासियों से मिली जानकारी के मुताबिक भालू ने पास ही के एक घर में जाकर दो मुर्गियों को भी काट लिया है। मुर्गियों की आवाज़ सुनकर भालू की तरफ लोग बढ़ने लगे और लोगों के आने की आवाज़ सुनकर भालू भी घबरा गया और जिसके बाद वो जाके कुएं में गिर गया। बता दें कि बेलनाडु एक वन क्षेत्र है और कन्नमपल्ली से 15 किलोमीटर दूर है, यानी कि वन क्षेत्र है तो जंगली जानवरों का होना लाजमी है और जंगली जानवर हमेशा गांव में घुसते ही रहते हैं। वन विभाग की टीम भी सक्रिय रहती है, इसलिए वो मौके पर भी पहुंच गई और उसके बाद कुएं से भालू को निकाल लिया गया, उसका रेस्क्यू किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।